हमारे साथ मौजूद हैं मायरे गज़ा सुहेल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जोहा। सबसे पहले तो बताएं, जैसे हम बात कर रहे थे मैं और हमज़ा के, कोविड भी है, डेंगू भी है और भी काफ़ी किस्म के वायरसेस वगैरह भी हैं, इन सारी चीज़ों के दौरान हमने कोविड में ख़ासतौर पर इम्यूनिटी का वर्ड बहुत ज़्यादा सुना, कैसे इम्यूनिटी को बिल्ड करना है हमने? ठीक है, उसमें इस तरह से है कि हम लोग इम्यूनिटी की बात तब करते हैं जब बीमारी आ जाती है। इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए और हम सिर्फ फोकस तब करते हैं जब कोई बीमारी अटैक करती है, कोई मसला हमें आता है। तो इम्यूनिटी, अब जैसे पाकिस्तान की एनवायरनमेंट इस तरह के जहाँ वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन तीनों बहुत ज़्यादा है, तो एज अ नेशन हम लोगों का गोल यही होना चाहिए कि पूरा साल, पूरी ज़िंदगी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ सुपर फूड ज़रूर डिस्कस करूँगी जो डेंगू के मुकाबले के लिए, कोरोना के मुकाबले के लिए और जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसके मुकाबले के लिए हमारे पास हेल्पफुल हो। अच्छा, उसमें सबसे पहले इस तरह से कि मैं शहद की इस्तेमाल को ज़रूर प्रमोट करती हूँ क्योंकि शहद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के साथ आते हैं। अच्छा, लोग ज़्यादा शहद को इस्तेमाल करते हैं सर्दी के मौसम में, गर्म पानी में उसको ऐड ऑन करके इस तरह से लेते हैं, तो उसका बिल्कुल पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ का इशू नहीं है, वेट ओवरवेट का मसला नहीं है, एक नॉर्मल वेट है, नॉर्मल सब कुछ, आप शहद इस्तेमाल पूरा साल में करें क्योंकि इसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ आपको पूरा साल महफूज रखें। तमाम एज ग्रुप्स एक चम्मच से दो चम्मच शहद आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद के अलावा दालचीनी का इस्तेमाल, जो लोग शहद नहीं इस्तेमाल कर सकते वो दालचीनी इस्तेमाल करें। ठीक है, दालचीनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, हम लोग एंटीबायोटिक्स दे रही है, अगर कोई एक चीज़ नहीं ले सकता तो कोई दूसरी चीज़ ले ले। अब जिस तरह से दालचीनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं और हम लोग एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, एंटीबायोटिक खाने का एक नुकसान क्या है कि हमारी बॉडी का जो गुड बैक्टीरिया है जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी हमारे जो निज़ाम दिफा है, जो डिफेंस सिस्टम है उसको प्रमोट करता है। आज इस पे हमने जामे गुफ्तगू की है, हमने डॉक्टर नशीन अहमद भी हमारे साथ थी और इस पे जामे हमने गुफ्तगू की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एंटीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स को खत्म कर देती है, तो आप ऐसी चीजें खाएं जो एंटीबायोटिक भी हो और प्रोबायोटिक्स को खत्म ना करें, तो उसमें दालचीनी का इस्तेमाल करें। दालचीनी का कहवा आप सुबह नहार में इस्तेमाल करें वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि सुबह का वक्त ऐसे है जिसमें हमारी बॉडी टोटली फ्रेश होती है, उसको अगर अच्छी चीजें हम देंगे तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखेगी। सुबह नहार में दालचीनी का कहवा वो लोग इस्तेमाल करें जो शहद इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल, आजकल जिस तरह से कोरोना की बात भी हो रही है, डेंगू की बात भी हो रही है और दीगर मसाइल भी साथ साथ लोगों को चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस का इंटेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग ड्रग्स ले रहे हैं। अभी कल मेरी पेशेंट के साथ बात हो रही है, उन्होंने मुझे बताया कि वो 48 ड्रग्स ले रही हैं डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत बढ़ गया, एनजाइटी का मसला बहुत आ गया। तो हल्दी का काम क्या है कि वो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और दवाइयों के मनफी असरात से रोकता है क्योंकि लिवर बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसे डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, वैसे तो लंग्स भी करते हैं, स्किन भी करती है, लेकिन लिवर का प्राइम रोल है। तो लिवर जितना अच्छा काम करेगा उतना डिटॉक्सिफिकेशन बेहतर होगी। तो हल्दी का इस्तेमाल अपनी डाइट में, यानी कि जो लोग मेडिकेशन पे ज्यादा हैं वो हल्दी का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, बिल्कुल लाजमी तौर पर करें क्योंकि हल्दी जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट से रोकती है। अच्छा, जोहर ये भी कहा जाता है कि दूध में हल्दी डाल के पिए तो वो बड़ा अच्छा एक होता है आपकी बॉडी के लिए, बड़ा अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग कर देती है आपकी बॉडी को, तो उसे गोल्डन मिल्क का नाम दिया जाता है। तो वो कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग हल्दी के इस्तेमाल पे सोच के रुक जाते हैं कि ये नहीं खाई जाएगी, ये इरिटेट करेगी, तो बेशक आप खाने में उसकी क्वांटिटी बढ़ा लें या बिल्कुल गोल्डन मिल्क ले लें। गोल्डन मिल्क एक ऐसा मिल्क है जो हर इंडिविजुअल ले सकता है, चाहे डायबिटिक है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे यूरिक एसिड है, चाहे हेपेटाइटिस का पेशेंट है, हर कोई गोल्डन मिल्क ले सकता है, लेकिन उसमें दूध की क्वांटिटी और दूध की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप बिल्कुल होल मिल्क ना कंज्यूम करें जिनको डायबिटीज़ का मसला है, जिनको मोटापे का मसला है, आप स्किम मिल्क लें जिसके वजह से फैट रिमूव कर दी जाती है और उसमें हल्दी ऐड ऑन करके ले लें। अगर हल्दी दूध के अंदर नहीं पसंद तो मैं सिंपल ये कहती हूँ कि आप हल्दी का एक चम्मच या हाफ टी स्पून जितना आपका कंसल्टेंट रिकमेंड करता है, जिस तरह से मेडिसिन खाते हैं टैबलेट जैसे पानी ऊपर से ले जाए, अब बेशक उस तरह से कंज्यूम कर लें। अगर आप उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के पीना चाहते हैं उस तरह से फक्के की तरह आप लोग खा सकते हैं, फक्के की तरह खा सकते हैं, बिल्कुल इसके तरीके मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरीके से आपको पसंद है आप उसको खाएं, लेकिन मेक श्योर करें कि आप ये ज़रूर खाएं। इसके अलावा अदरक, अदरक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ के साथ है, जैसे मैंने बताया दालचीनी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ है और अदरक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ के साथ है, तो कोरोना में वायरस का ही सबसे ज़्यादा मसला है और हम मेडिसिन उसके अगेंस्ट बहुत सारी खा रहे होते हैं, तो अगर आप अदरक वाली चाय या अदरक का कहवा या इवन खाने में खुश जो नेचुरल अदरक है वो डाल के आप खाते हैं तो उसके थ्रू एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ जाएंगी जो निज़ाम जो कुव्वत मुदाफ़त उसको बेहतर रखेंगी और कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखें ताकि ये मसला ना करें। अच्छा, डाइट के अलावा मैं यहाँ पर थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी की बात भी करूँगी और स्लीप पैटर्न की, क्योंकि डाइट में तो ये की न्यूट्रिएंट्स हैं, की चीज़ें जो आप शामिल करें जिससे निज़ाम हज़म अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करते जैसे कि वॉक करते हैं, योगा करते हैं, जिसमें आपकी इनहेल एक्सहेल का प्रोसीजर इन्वॉल्व हो,
उससे क्या होता है कि आपके लंग्स अच्छा काम करते हैं, लंग्स के थ्रू भी बहुत सी चीज़ें बॉडी से बाहर निकलती हैं जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं जो हम कहते हैं। तो अगर आप वॉक करते हैं, अपनी ब्रीदिंग के प्रोसीजर को इम्प्रूव करते हैं, तो उसके थ्रू भी ये काम हो जाएगा। इसके अलावा आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम की रूटीन है, लोग घर में रहते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं और पूरा रूटीन ख़राब हो गई है। लेट सोना बहुत नुकसान की चीज़ है, क्योंकि जब हम लेट सोते हैं, हम लोगों के रवैये ये हैं कि हम लोग लेट सो रहे हैं, लेट सोते हैं हम लोग, यही देते हैं घरों में ऐसे बिल्कुल 3 बजे रोक सो रहे हैं, सुबह 4 बजे सो रहे हैं, ये ठीक चीज़ नहीं है। क्योंकि 3 से 4 बजे कुदरत ने हमारी बॉडी का मैकेनिज्म रखा है कि वहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन होती है, सुबह 3 से 4 बजे हमारी बॉडी में फिक्स है। लेकिन उसके लिए एक पॉइंटेड पॉइंट है कि आप सो रहे हो, अगर आप जागेंगे वो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म नहीं होंगे। वैसे भी आपका डाइट पैटर्न ही तब्दील हो जाएगा, आप ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। इम्यूनिटी के हवाले से पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर ये बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि गोरे की इम्यूनिटी कम है, हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है, हमारी इम्यूनिटी बेहतर है उससे, क्योंकि हम मिट्टी में रहते हैं, क्योंकि हम तो बहुत चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं, उनकी तो फ़ज़ा इतनी अच्छी है, उनको आदत ही नहीं रहती है, इसलिए कोरोना भी उन पर ज़्यादा असरअंदाज हुआ, हम पे कम हुआ। ये कॉन्सेप्ट कितना दुरुस्त है? ये पाकिस्तानियों का अपना एक कॉन्सेप्ट है। हम जैसे कहते हैं ना कि हम हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें कोई चीज़ मुतासर नहीं कर सकती। लेकिन अब आप देखें, कोरोना की शरह पाकिस्तान में भी अच्छी खासी गई है, तो इसका क्या मतलब हो कि हमारी इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं है? हमने अपने आगे एक लेबल रख लिया कि हम हर एक से बेहतर हैं, हमें कोई चीज़ भी अफेक्ट नहीं कर सकती। कुछ हद तक हमारी इम्यूनिटी उनसे बेहतर इस तरह से कि जैसे हमारे पोल्यूशन ने बताया कि वाटर पोल्यूशन भी है, एयर भी है, लैंड भी है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग हम हैं, लेकिन इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इंटरनल अगर वायरस अटैक करेगा तो हम उसको भी डिफा कर सके, टाइम में हम देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अब आपने एक चीज़ नोट की है, मैं एक चीज़ अक्सर नोट करती हूँ कि कोरोना के बाद से सब्जियों की और फलों की जो शॉप्स हैं जो बेचने वाले वो बढ़ गए हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है, सब्जियों की और फलों की डिमांड, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हमें इनकी ज़रूरत है, और इसकी वजह से उनकी जो शॉप्स हैं बेचने वाले वो भी ज़्यादा आ गए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों का मुझे अच्छा लगा है कि लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि इम्यूनिटी का बूस्टअप होना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ लिंक्ड है। अब उसमें अगर मैं सब्जियों की और फलों की बात करूँ तो एक कुछ सब्जियां जो स्पेसिफाई कर देती हूँ, कुछ फल जो स्पेसिफाई कर देती हूँ। फलों में सेब सबसे इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आप एक सेब रोज़ाना इस्तेमाल कर लेते हैं उसके छिलके के साथ, तो उसके ज़रिए आपकी बॉडी में पॉलीफिनोल्स जाते हैं जो हर टॉक्सिन को अपने साथ बाइंड करके बाहर निकालते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एप्पल अ डे कीप्स अ मैन डॉक्टर अवे। तो आप रोज़ाना एक सेब लेते हैं, उसके ज़रिए टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, तो आपको मसला नहीं होगा। सेब के अलावा अंगूर, अंगूर में रेस्वेराटॉल एक पॉलीफिनोल है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो लोग सेब इस्तेमाल नहीं करते वो अंगूर की तरफ आ जाएं। और थर्ड पे ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट, ये 3 फल ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन ग्रेप फ्रूट में एक मसला हम क्या करते हैं कि हम चीनी ऐड कर देते हैं उसको मीठा करने के लिए, खट्टा ना लगे, वहाँ पे हम ख़राबी करते हैं। उसके ज़रिए क्या होता है कि ग्रेप फ्रूट वैसे तो एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, लेकिन चीनी ऐड करके उसके एंटीऑक्सीडेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। चीनी उसकी पीएच को ख़राब करती है, हमारी बॉडी में जाके वाइटामिन सी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, तो ग्रेप फ्रूट काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से नहीं कर रहा, इस वजह से नहीं काम कर रहा, वो मीठा बना के पीना चाहते हैं, वो मीठा उसको कर लेते हैं जिससे चीनी उसका काम ख़राब कर देती है। अगर मैं सब्जियों की तरफ आऊँ तो सब्जियों में सबसे पहले बंद गोभी और गोभी, इन दो का बहुत रोल है। यहाँ पर ब्रोकली इतनी मिलती नहीं इसलिए मैं उसको मेंशन भी नहीं करती, लेकिन अगर किसी को पसंद है और कोई खाना पसंद करता है तो अगर बंद गोभी या गोभी नहीं खा रहे हो तो ब्रोकली खा लें, क्योंकि बंद गोभी और गोभी में हमारे पास इंडोल्स होते हैं जो अगेन लिवर की हेल्थ के लिए, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, उसकी सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इम्यूनिटी के बारे में जब हम बात करते हैं लोग आ जाते हैं डिटॉक्स वाटर के ऊपर कि ये हम पानी पूरा दिन पी लेंगे तो हम कुछ भी खाते रहें, जंक फूड खाएं, सोडा ड्रिंक्स भी, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, डिटॉक्स वाटर मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती कि आप पानी में खीरा डाल रहे हैं, अब नींबू डाल रहे हैं और आप सिर्फ वो पी रहे हैं, उसके ज़रिए आपको वो फायदे नहीं मिलती जो एक खीरा अकेला खाने से आपको मिलता है। बस जो आपने जहन में चीज़ें बना रखी हैं ना, वो अपने से दूर कर लें, जो जोहा कह रही हैं उन पर अमल करना शुरू कर दें। जोहा, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी और तारीफ दी कि हमने अपनी इम्यूनिटी बेहतर कैसे करनी है, बूस्ट कैसे करनी है।